Hey, back. In Ploos, of Fear, जहाँ पे कहीं आज हम लोग पकड़ने वाले हैं थोड़े से और के ऑस कीचर्स मैंने जो पिछली बार के ऑस डोडो एक्स पकड़ा था वो अनफॉर्चुनेटली भाई मर चुका है अगर तुमने रावण का एपिसोड देखा हो तो, तो पता होगा भाई पर हम लोग आज थोड़े से और पकड़ने वाले हैं हमारे पास एक भी अभी के ऑस कीचर नहीं है तो फिर हम लोगों ने थोड़े से क्या किया है कि के ऑस ऑफ और ये ट्रिब्यूट तो ऐसे मैंने नहीं बनाया भी पर मैंने के ऑस ऑफ बनाया है तो फिर मैं आज थोड़े पकड़ने वाला हूँ एक तो भाई ऑलरेडी स्पॉन्ड इन है तो मैं देखने वाला हूँ कि क्या मैं उसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं एंड आई शुड रियली क्लीन माई इन्वेंट्री इट्स वेरी वेरी पूपी यू नो चलो बाद में कर लेंगे ये सब तो हम लोग फिलहाल के लिए निकलते हैं ऐसे मेरे पास बुलेट्स आई थिंक है मेरे पास काफ़ी सारी बुलेट्स हैं मेरे पास या शुड बी और हम लोगों को कुछ और नहीं रखना है वैसे हम लोग आज आ, ओके मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और वैसे हम लोग जल्दी ही स्पिरिट गार्डियन को भी हराने वाले हैं एक बार मुझे पास थोड़े से क्योस मिल जाए ना तो मैं हराता हूँ यार मेरे को भी बहुत ज्यादा मिल ही रहे हैं दिक्कत भाई ये है ऑल्सो आई सेट अप दीज थिंग्स ये भाई कैसे लग रहा है मुझे जरूर से बताना भाई कितना सही लगता है भाई टेकडोर यार बहुत सही लगता है Uh, मैं सोचा थोड़ा सा टेकी किया जाए अपने बेस को तो इसलिए मैंने लगा दिया था बट एज यू कैन सी थोड़े बहुत केयर्स कीचर्स पॉन हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल के नहीं होते हैं भाई पर वी हैव गॉट अ ग्रिफिन हियर जो कि 580 लेवल का है और मैं इसको जाके देख के आ चुका हूँ थोड़ा एरिया क्लियर किया था मैंने बट अफकोर्स भाई वो एरिया वापस से गंदा हो गया होगा सो so, आज हमें जाके इसको पकड़ना है एट्टी पे है विकी के बेस के एक्चुअली काफ़ी पास में है सो वी विल पे हिम अ विजिट एज़ वेल बट यहाँ पर कुछ और भी क्रीचर्स हैं थाइलो भाई उधर ही है मैंने उसको देखा था बट मैं गलती से भाई उसकी तरफ चला जाऊँ क्या उस भी मैंने देखे थे वैसे ये बंदे बहुत ही गलत जगह पे हैं यार मैं तुम्हें बताऊंगा पर अभी भाई वो जिस जगह पे है ना वहाँ पर जाने बहुत खतरा होता है तो मैं तुम्हें अगले एपिसोड में दिखाऊंगा भाई कैसे पकड़ना है इनको और वहाँ पता है मैंने एक स्पिरिट वाई वन भी देखा था स्पिरिट वाई वन तुम देखोगे भाई इसकी लोकेशन भी ऑलमोस्ट वही है क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा था इसको तो फिर एक बार हम लोग बस उसको हरा देना गार्डियन को स्पिरिट गार्डियन को तो हम लोग जरूर से उसको टीम करेंगे और सिक्स लेवल का था शायद वो आई थिंक सो या सिक्स लेवल का था एंड वॉट एल्स हैव हैव वी वी गॉट गॉट अ रेक्स यर ओ 560 लेवल इज नॉट बैड मैन पता नहीं जब मैं देख रहा था तब तो भाई थे, थे नहीं आई थिंक क्लिक रावण ने मे बी थोड़ा क्लियर अप किया हो तो उससे अच्छे वाले से हो गए हैं मैंटी कोर भी आता है क्या भाई साहब फाइव फोर्टी लेवल का मैंटी कोर है भाई ओके पर मैंटी कोर फिर वो लेगा ना मैंटी कोर यार वो समनर लेगा समनर नहीं क्या बोलते हैं उसको ट्रिब्यूट लेगा उसका ट्रिब्यूट है आई थिंक वी कैन मेक इट लेट मी जस्ट ट्राई आउट मैंने तो सोचा था भाई कि हम आज एक ही पकड़ेंगे बट फाइन देन ओके सॉब मैंने अच्छा मेरी नी में रख लिया है चलो ये भी बना लेते हैं एंड वी कैन मेक द ट्रिब्यूट ओके फाइन गाइस तो आज हम लोग दोनों पकड़ने वाले हैं ऑसम awesome. तो लाइक like, हम लोग ये सब वैसे इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को लग रहा अच्छा है कि अच्छा रहेगा हम लोग को ऐसा लग रहा है वैसे अब पता नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा पर या वी आर थिंकिंग दैट इट वुड बी गुड फॉर डिफीटिंग द स्पिरिट गार्डियन उसके अगेन शायद शायद से क्यों सच्चे होते हों सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस बट पर पता नहीं भाई सीरियसली हमको कोई आइडिया नहीं है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं बट ओके लेट्स गो मेरे पास uh, कुछ ऐसा है क्या जैसे मैं जा सकता हूँ भाई नहीं भाई अभी यार ऊपर से शूट करने को कुछ होता ना तो ज़्यादा सही रहता पर चलो ठीक है ग्रिफिन को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है इससे आई एम प्री श्योर यार मुझे ओरिजन आई रोज नहीं बना लेने चाहिए आई थिंक आई शुड मेक ओरिजिन आई मैन दैट वुड बी बेटर मेरे पास पक्के से ओरिजिन ब्लड तो होगा ही मैं औरजन आई बना लेता हूँ होपफुली आई डोंट वेस्ट दम यार मेरे को लग रहा है कि मैं वेस्ट कर दूंगा भाई इनको बट वी हैव नो चॉइस मैन वी हैव नो चॉइस मे बी हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ विकी से कि मैं उसका ग्रिफिन नहीं मरवाऊंगा और हम लोग उसे एक ग्रिफिन लैंड कर सकते हैं मे बी वी कैन डू दैट और वैसे हमारे पास भी तो ग्रिफिन है हम क्यों मांग रहे हैं किसी से हमारे पास भी तो ग्रिफिन है ब्रो आई थिंक आर्टिकूनो है हमारे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा ही कम लेवल का है बट फाइन मैन वी हैव नो चॉइस ओके लाइट ग्रिफिन भी तो है मेरे पास मैं भूल गया था भाई लाइट ग्रिफिन के बारे में हिकारी को तो मैंने यूज़ भी नहीं किया ज़्यादा यार ओके टाइम टू यूज़ हिकारी बॉयज़ मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक नोटिस नहीं करता पर अब भाई इसको थोड़ा हमको नोटिस देना पड़ेगा इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम नहीं है चलो कोई बात नहीं यार मेरे को वैसे हेल्थ में बढ़ाना चाहिए था पता नहीं मैंने क्यों उसमें बढ़ा दिया और अभी वैसे सर्वर पे सब लोग हैं विकी है और रावण भी हैं हम लोग थोड़ी देर में जैसे ही भाई मैं पकड़ लूंगा इन के ओस को मेरेली लिए वेट लिए करें वो लोग एक्चुअली बट हम लोग जाने वाले हैं और हम लोग स्पिरिट गार्डियन को हराएंगे सो दैट विल कम अप सून गाइज ओके के ग्रिफिन का है एट्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स ये मैं लिख लेता हूँ एट्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स एंड सिक्सटी फिफ्टी सेवन तो पहले भाई मैं जाने वाला हूँ ग्रिफिन के लिए ओके उसके बाद मैं देखूंगा मैं उसके लिए मैंटिकोर के लिए जाऊँगा क्योंकि भाई मेरे को अच्छा मेन्यूअर मिल जाए ना ग्रिफिन से क्या उस ग्रिफिन से तो उसके बाद भाई मैंटिकोर को टीम करना बहुत आसान रहेगा तो फिर मैं जाता हूँ पहले विकी के घर पे क्योंकि एटी सेवन काफ़ी पास में है भाई उसके घर के विकी है ना यहाँ पे भी ऑनलाइन आई थिंक विकी कुछ काम कर रहा होगा भाई पता नहीं ओके लेट्स जस्ट गेट गोइंग हमें अपना काम करना चाहिए ओके पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे आस पास वो के ऑस साइलो को था वो जो वन एटी लेवल का दिखा रहा था ना वो यहीं कहीं आस पास है होप क्रैश ना कर जाऊँ मैं मेरे को पकड़ना भी नहीं है भाई उसको बराबर ने ऑलरेडी उसको पकड़ रखा है एंड ही से वॉज ओकेश सो अब मेरे को भाई ओके इश नहीं चाहिए मेरे को अभी ऑसम चाहिए ओके वी हैव टू गेट सम ऑसम क्रीचर्स टू डिफीट द स्पिरिट ओ वेट वॉन ओ फॉर अ सेकेंड इयर मेरे को लगा कि ये के वाला है पर यहाँ पर नहीं हो सकता भाई वो तो काफ़ी दूर में है कैन वी एक्चुअली डिफीट दिस गायफकॉर्स नॉट मैन ट्वेंटी वन मिलियन हेल्थ आई जस्ट होप के इसके ज़्यादा पास ना जाऊँ भाई मैं ओके इज दैट इट नहीं डी टाक ग्रिफिन है यहीं कहीं पे भाई होना चाहिए उसको अपने वाले को भाई ये मैंटी के पास में है क्या यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई मैंटी के पास में है ये वॉट द हेल ब्रो नो डोंट बी किडिंग मी ओके मेरे को थोड़ी देर के लिए जीत को निकालना पड़ेगा भाई इससे काम नहीं बन पा रहा हमारा कहाँ पर मैंटी कोर इसको जरा मारता हूँ मैं ओ वो रहा ओके नहीं ओ शिट ये तो केओस ग्रिफिन है ओके 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 भाई जहाँ किसी और चीज़ के लिए रहे थे हाँ कुछ और गया भाई ये क्या हो रहा है आज ये ओके फाइन ओ शिट यार मैं तो उसको मार डालूंगा भाई ऐसे तो ओ वही एक्चुअली उसका टॉर्पर ऑलरेडी है उधर ओके आई थिंक वो बॉसेस के लिए ही रहती है वाली चीज़ कि अगर तुम्हें टॉपर गिराना है तो फिर इतनी हेल्थ कम करनी पड़ेगी आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर ओनली बॉसेस तो पहले मैं इसको मार देता हूँ आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही गंदा थ्रेड बन सकता है इसको मार दिया जाए जरा होपफुली मेरे को टॉर्पर ना कर दे ब्रो ओके देर गोस द मैंटी कोर ईजी पीजी ट्वेंटी वन मिलीन हेल्थ ओके सो वेयर इज द ग्रिफिन ओके टाइम टू गेट अ ट्रैंक ऑन हिम बट कैसे द क्वेश्चन इज कैसे भाई बिना ग्रिफिन के तो भाई होगा नहीं है भाई मेरा ग्रिफिन आज मर ना जाए ब्रो मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है क्योंकि जब हम लोग एरो मारते हैं ना तो ये लोग टू टाइम्स फास्टर हो जाते हैं और टू टाइम्स ज़्यादा इनका मिले डैमेज हो जाता है तो मे बी कार मैन ओके नॉट ट्रू ओके आई हैव अ स्ट्रैटेजी इन माइंड मैं एक काम कर सकता हूँ मैं इसे ऊपर जाऊँगा और मैं उसको ऊपर से एरो मारूंगा फिर मैं एकदम से डाइव करके भाई भाग सकता हूँ राइट right? फिर मैं बस ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको ट्रैक कर दूँ उसका तो फिर देख लेंगे अपन जो होगा वो हो होगा ओके okay, मेरे पास बस तीन तीन चार ही एरो हैं वेस्ट नहीं होने चाहिए ब्रो वॉट ओके वेट ओ दैट इज समथिंग भाई ये कुछ तो ओके ओ शिट ओ शिट भाई ओ शिट 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 ओके ओके अभी मेरे पीछे आ ही रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है मैं एक चीज़ कर सकता हूँ एक चीज़ कर सकता हूँ मैं इसको आने देता हूँ अपने पीछे पीछे आ रहा है क्या ओके okay, आ रहा है आ रहा आ आ तो भाई आ आ, आ आ आने दो भाई इसको आने दो आने दो ओके ही कैचिंग अप टू मी एंड 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 जल्दी जा जल्दी जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा ओके ओके ब्रो यू लिसन टू मी ब्रो ब्रोह इधर आ सर थोड़ा सा आ जा यार ओके okay, इसका मेरे टॉर पर ऐसे भी डाउन कर सकता हूँ बट दैट इज वेरी इन इफेक्टिव देर वी गो चलो ओ शेट ओके वेल नाइस नाइस ओके मैं मर जाऊँगा ऐसे शायद से मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा ओ oh, नहीं ओके okay, वेट मैंने आई लॉस्ट हिम नो आई लाइव आई लाई फॉर श्योर आई एल डाइ फॉर श्योर मैन आई 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 एल डाइफर आल डाइवर आल डाइवर आल डाइव फॉर श्योर ओके बच गया हमें खाओ भाई खाओ खाना खाओ खाना खाओ वो किधर गया भाई क्या उस किधर गया अब तक तो लाइक डाउन हो जाना चाहिए ओके नहीं 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 हुआ अभी नहीं हुआ भाई कितनी स्लो हो रहा है भाई ये डाउन ये क्या वकवास है भाई इतना कितना टाइम लग रहा है इसको चलो थोड़ा साबर रखते हैं सबर करते हैं भाई हो रहा है हो रहा है धीरे धीरे करके हो ही जाएगा ग्यारह मिलियन हो गया बारह मिलियन हो गया आई थिंक हम लोग उसके रहेंडे डिस्टेंस से दूर चले गए थे इसलिए शायद से ऐसा हुआ था

आई वॉज डू बी परफेक्टली फाइन में डिस्काउंट कैसे हुआ जीत से आई डोंट इट फॉर सम रीजन में डिस्काउंट हो गया उससे ओके okay. आई होप जीत मार ना दे भाई क्या उसको ओके आई एम बैक ब्रो कम डोंट डू दैट अगेन ओके मेरे क्या पटका था भाई इसने ओके okay. भाई पहले तो तू अंदर जा भाई जीत यार तू क्या कर रहा है भाई आज मेरे को मरवाई दिया था तूने ऑलमोस्ट फाइन मैन लेट जस्ट गेट दिस गायन गेट ओवर विथ इट ये क्या बकवास थी भाई मैं उठ भाई पता नहीं यार ये ए आर के भाई ए आर के में कुछ भी हो सकता है दैट इज माई एक्सप्लेनेशन ओके आई विल नॉट डाउट दिस गेम फाइन तो इसकी हेल्थ भाई ऑफकॉर्स काफी कम है एक स... ओ एक नहीं अपडेट नहीं हुई है शायद से वेट वेट अ सेकेंड ओ अपडेट हो चुकी है सिक्स पॉइंट वन मिलियन ही है इसकी हेल्थ लेवल अपडेट नहीं हुई थी इसकी फाइन देन और हम लोग को मिल चुका है एक chaos, ग्रिफिन. Awesome, देखते जरा ट्राई करते हैं इसको ओ भाई क्या हो रहा है ये अच्छा ओ मुझे अब समझ में आया भाई ये वो एरिया पता नहीं क्यों पर पानी माना जा रहा है तो पानी में मेरे को डिस्माउंट कर रहा है वो ये इतना स्लो क्यों है ओके ऐसे तो बिल्कुल भी स्लो नहीं है पर पीछे जाने के टाइम पर बड़ा स्लो है यार ये और नॉर्मल फ्लाइट भी लाइक नॉर्मल फ्लाइट भी काफी स्लो है भाई इसकी वॉट द हेल ओके सो दिस इज नॉर्मल डैमेज आई थिंक ट्वेंटी वन थाउजेंड विच आई थिंक इज़ नॉट वेरी बैड बट शिल इट इज़ बैड ओके भाई पता नहीं क्यों पर थोड़ा कम ही है इसका डैमेज ऑफकोर्स ये बॉस नहीं है भाई ये भी ये भी तो एक रीज़न है बॉस थोड़ी ना भाई बंदा इसका टिक डैमेज देखना है भाई मुझे किसी तगड़े बंदे पे. है ओ शिट वॉट ओ नेक्रोटिक पाई तो भाई पंगे लेना छोड़ दिया मैंने भाई ये बंदे बहुत तगड़े होते हैं मेरे को पता चल चुका है तो मैं इनसे पंगे लेता नहीं हूँ भाई ओके मुझे कोई औरिजन वगैरह कुछ ये पड़ेगा इसकी ताकत देखने के लिए बट फिलहाल मैं इसको थोड़े से पूछ देता हूँ लेसी भाई इस बंदे में कितना पोटेंशियल है ओके okay. हेल्थ तो काफ़ी ठीक ठाक बढ़ रही है वी एटलीस्ट नीट थर्टी मिलियन हेल्थ मैन इससे कम तो मैं नहीं जाने वाला थर्टी मिलियन है ओके उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं मेले में ओके लेट्सी हाउ गुड ही इज नाओ आई थिंक थोड़ा सा मुझे मेले uh, मेले नहीं सॉरी उसमें भी लगाना पड़ेगा ओके हंड्रेड एंड फोटीन या ही इज नॉट really दैट गुड ओ shit ओके okay. ओ oh, भाई थैलो कुल्लू में हो चकने वाला था पता नहीं क्यों पर मेरे को इतना मज़ा नहीं आया भाई इसको पकड़ के इतना लाइक मेको दिक्कत हुई इसको पकड़ने में पर इतना भी कुछ खास नहीं है यह वेल मे बी इसका कुछ और अटैक हो अच्छा वाला ओके okay. एक से ये गोला फेंकता है ओ ओके वेल दैट वॉज नाट बैड अगर लग जाता तो और ज़्यादा अच्छा रहता वो शेड ऑलमोस्ट वन मिलियन डैमेज मैन ओके 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 आई थिंक टिक डैमेज देता होगा भाई और लावा लावा सब भी हो रहा है तुम तो देख रहे हो ओके मेरे को ये डेफिनेटली किसी ओरिजिन पर ट्राई आउट करना पड़ेगा पहले मैं ज़रा घर जाता हूँ आई थिंक मेरे पास लाइक सामान पड़ा हुआ सवनर बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं और भाई ओरिजिन पर ट्राई आउट करके देखते हैं क्योंकि ऐसे तो भाई इसको स्पिरिट को हराने के लिए नहीं ले जा सकते हम लोग बिना ट्राई आउट किए ओके okay, ओरिजिन डायर बेयर को हरा लेते हैं हम लोग उसकी काफ़ी अच्छी हेल्थ होती है और एक ओरिजिन रेक्स बना लेते हैं क्योंकि भाई इसका हिडबॉक्स बहुत बड़ा होता है तो मेरे को देखना है दोनों सिचुएशन में भाई कैसा काम करता है ये फायर डैमेज वगैरह सब हम लोग ट्राई करने वाले हैं लेट एस गो एंड सी एंड ऑफकोर्स वी आर गना विजिट आर गुड ओल्ड एब्रीशन केव भाई उधर ही करते हैं हम लोग ये सब कांड भाई और कहीं करने का मन नहीं करते हैं हमको ओ oh गॉड लग रहा है यहाँ पे कुछ पहले से ही चल रहा है ब्रो क्या हरा रहे हो तुम लोग यहाँ पे भाई ये विकी कुछ कर रहा है क्या ओ पीछे क्या है ये वेट सेकंड अच्छा ओके प्राइमल डायर बेर है ओके माय गाय मैन नहीं तो भाई मरी ना जाइए मेरे पास पोर्शन होनी चाहिए मैन कम ऑन ओके हैं कोर्स है भाई ओके वी गो हम्म देर इज इसको जरा हरा के देखते हैं हम लोग ओ यस मैं बोल रहा था ना भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी देखो तो 1.8 मिलियन टिक डैमेज पड़ रहा है भाई कई बार मतलब कम पड़ रहा है पर वैसे अच्छा पड़ रहा है यार फिर भी सही है भाई मतलब काफ़ी सही है ऑफकोर्स भाई स्पिरिट भाई वाई वन पे आई डोंट थिंक काम आएगा इतना सॉरी स्पिरिट बाई वन नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं एक मिनट रुक जा एक मिनट रुक जा एक मिनट रुक जा एक ओ हरा दिया मैं सोचा था एस्केप करूँ मैं यहाँ से बट ओके फाइन देन हरा दिया तो, तो बहुत अच्छी बात है ब्रो हम लोग ये सब ले लेते हैं ओके टाइम टू ट्राइम आउट ऑन सम समीजन मैन मैं एक काम करता हूँ ओरिजिन एक में बचा के रख लेता हूँ भाई मैंटिकोर के लिए मेरे को वो भी तो ट्राई आउट करना है ना अभी पहले हम लोग निकालने वाले हैं कौन सा निकाले हम लोग डायर क्या आउट डायर मैं वाई नॉट और इस पर ये वाला ट्राई आउट करते हैं ओके एज यू कैन सी इट इज नॉट वेरी बैड ओ भाई ऑलमोस्ट वन बिलियन का टिक डैमेज है भाई इसका तगड़ा वाला बाप रे बाप भाई बहुत तगड़ा है यार ये तो काफी ज्यादा तगड़ा है ब्रो वो शर्ट शेड oh, भाई ओके 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 दैट इज ग्रेट एंड ऑफकोर्स दिस इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग टू मी क्योंकि मैं ऑलरेडी भाई uh, अपने यूज कर चुका हूँ और वो इससे भी ज्यादा अच्छा था बट but... या इट वॉज स्टिल गुड मैन दिस थिंग वॉज स्टिल गुड तो अभी हम लोग भाई जाने वाले हैं के मैंटिकोर को टीम करने के लिए देखते हैं दैट शुड बी ब्रादर सिंपल आई होप सो देखते हैं भाई वो इससे ज्यादा तो अच्छा होगा भाई पक्के से मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक तीन मिलियन का तो भाई टिक डैमेज करेगा वो और क्योंकि हमने भाई के पकड़ा है तो क्यों ना के ग्रिफिन से ही जरा इसको हराने का ट्राई किया जाए आई मीन सॉरी पकड़ने का ट्राई किया जाए ओ इज दैट इट ओके दैट इज इट का ही सें मिल चुका है बंदा अपना ट्वेंटी फाइव फ्रिकट मिली नहीं हेल्थ है इसकी तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है so, मैंने इसका डाइव डैमेज कितना अटैक करता है ये मैंने ट्राई आउट नहीं किया अभी तक आई एम गना ट्राई दैट आउट आफ्टर आई डू दिस थैंक यू ओके ओ शिट वॉट ओके ब्रो 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 यू हैव टू बी किडिंग मी वाई आर यू नॉट ओके अब करेगा ये वही मैं सोचा ना डाइव क्यों नहीं कर रहा भाई तू ओके okay, ये एक्चुअली काफ़ी फास्ट है भाई कोर नॉट इवन के यू काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई पर इसने मेरा पीछा छोड़ा और इसकी हेल्थ थोड़ी सी गई है पर ओके फायर डैमेज करती है भाई ये चीज़ मेरे को एक्चुअली नहीं पता था तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और इसको नीचे आते टाइम मैं थोड़ा डैमेज कर दूँगा जैसे कि ये ऐसे यस ऐसे ओके ऑसम और ये चलो बहुत बढ़िया यार ये ग्रिफिन तो एक्चुअली काफ़ी काम आएगा भाई स्पिरिट वाली फाइट में स्पिरिट मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा और उसमें मैं मैं उसको डैमेज करता रहूंगा वो शिट भाई वो कुछ नीडल्स फेंक रहा है अपनी ब्रो ओके इज इट ओके इट इज स्टिल बिहाइंड मी बट इट इज कूलिंग डाउन लिटिल बिट नाउ चलो 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 थोड़ा उसका एग्रो छोड़ते हैं ओके हमें इसको थोड़ा सा और मारना पड़ेगा फिर एक साथ ही मतलब कूल डाउन कर देंगे इसको हमें थोड़ा सा और मारना है बस ओ शिट ओके बस अब मरना जाइए भाई मरना जाए प्लीज मत पढ़ना प्लीज मत पढ़ना ओके मरना तो नहीं चाहिए भाई मरना तो इसको नहीं चाहिए ओके okay, अब मैं बस यहां से निकल रहा हूं और ये मैं निकला बाय बाय ब्रो आई सी यू इन अ मिनट ओके ओके आई डोंट थिंक ही शुड बी बिहाइंड मी ना ओ शिट ही स्टिल बिहाइंड मी ब्रो ही ब्रो ही इज वेरी फास्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई मैं अक्रॉस द मैप जा रहा हूँ फिर भी ये रुक नहीं रहा है भाई ओके कम ऑन चिल डाउन अ बिट ब्रो भाई रुकेगा ये ये नहीं रुकेगा मैं ही मरूंगा भाई देखना लास्ट में ओके फाइनली फाइन फिर ली ब्रो ओ शिट ओके फाइन अभी भी इसकी इतनी हेल्थ है बोल रहा हूँ ये सोचो तुम तो इतना फास्ट है अभी ये जब मैं इस पर मारूंगा तो कितना फास्ट होगा डबल फास्ट होने वाला ये मेरी तो लग जाएगी यार ओके मैं एक काम करता हूँ मैं किसी तरह से भाई नीचे लेके आता हूँ इसको फ्री करना पड़ेगा हमें मे बी या आई आई जस्ट शूट हिम अ बुलेट फ्रॉम टॉप और समथिंग ओके आजा भाई आजा 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 तू मेरे को मार दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस तू आजा इधर आ ब्रो इधर आ इधर आ इधर मैं भी इस पर थोड़ी गोली वोली मारता हूँ शायद फिर आ जाइए ओके okay, आ रहा है आ रहा है और ये मैंने मारा नाइस nice, मार दिया मैंने ट्रैंक करो मार दिया माई वर्क हेयर इज डन थैंक यू माई वर्क इज डन ब्रो शिट oh भाई कॉर्डनेट्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास में रुका है भाई ये तो इधर इधर ही कहीं पे है लिटरली लाइक इधर ही है पास में ओके वेल लेटेस्ट सी देन किधर है भाई तू होपफुली ज़्यादा दूर ना चला गया हो भाई उड़ते उड़ते होपफुली ओके आई डोंट सी एनी थिंग हेयर अभी तो भाई नहीं टपका होगा पक्के से नहीं टपका होगा उसकी उसका काफ़ी टॉर पर था भाई इतना भी कम नहीं था उसका टॉर पर ओ बुरा बुरा ओ टपक गया भाई टपक गया ये तो क्या बात कर रहे हो यार नहीं यार कितनी जल्दी टपक गया भाई सोलह मिलियन टॉर पर था उसका अच्छा बढ़िया भाई हमको क्या दिक्कत है हमको को दिक्कत नहीं है जाओ भाई तुम तो अंदर और जरा इसको हम लोग जल्दी से टीएम कर देते थे, थे बॉइस मौसम हमें मेन्टी कोर भी मिल गया इतना ज्यादा बड़ा है भाई शिट वी हैव गॉट आर गाई थर्टी फाइव मिलियन हेल्थ दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट है ओके इसका बीस डैमेज कितना है ज़रा मैं ट्राई कर लूँ Okay, फिर उसका ओके ओ शिट देख रहे हो तुम ये होता है भाई डैमेज ये होता है भाई तीन लाख डैमेज भाई समझ रहे हो तुम तीन लाख डैमेज और भाई ये इंसेनली फास्ट है यार ये इनसेनली फास्ट है यार इतना फास्ट कोई क्रीचर कैसे हो सकता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये देख रहे हो तुम मैं भाई ओके okay, वो कौन है वो अपना कोई दोस्त है आई थिंक सो जरा उसको जाके डराते हैं ब्रो बट मैन दिस गाईज इंसेंली फास्ट है सीरियसली ओके okay, कौन है ये ओ रावण है ओके हे रावण वो इनको इनको डराते हैं ब्रो इनको डराते हैं, मजा आएगा मजा आएगा पिछू से पिछू से वार करेंगे हम कुछ है इसका अटैक हे बॉय हे बॉय डर लगा थोड़ा सा नाइस <laughs> nice. इनकी भाई 220 मिलियन हेल्थ है इनके ड्रैगन की आई होप मैं भी इतनी कर पाऊँ कुछ ओके uh, okay. काफ़ी सारी बड़ी हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई आउट इज लाइक नॉर्मल अटैक्स मैन ये इसका बाइट अटैक तो भाई ओके okay, चार सौ लेकिन चार लाख है और ये वाला ओके okay, ये वाला टिक डैमेज है जो कि लावा छोड़ता है ऑसम awesome. और सी से भी कुछ है आई थिंक पर ये शायद बैठ के ओके okay, नहीं खड़े होके भी कर रहा है या आई ट्राई आउट दिस थिंग क्या ये ओए पीछे की साइड ही मारता है क्या बस इट्स नॉट दैट ग्रेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ओके okay, चलो भाई अब भाई टाइम आ चुका है कि हम लोग इसको फुल लेवलअप करें और जाके देखें कि ओरिजेंस के अगेंस्ट कैसा है राइट ओके okay, मैं इसको फुल मैक्स एक्सपीरियंस पोर्शन देने वाला हूँ एंड लेट अस गो बॉयज लेट अस फ्री कैन गो अस ट्राई आउट हिज स्ट्रेंथ भाई तू तो इसकी एक बाइट से नहीं एक बाइट से तो नहीं मरेगा ये बट ओके okay. ओके okay, मैं ये नीडल वाला अटैक ट्राई करता हूँ अच्छा मैं इसको सही से एम नहीं कर पा रहा हूँ बोलो तो थोड़ा ऊपर करके एम करना पड़ता है क्या भाई एस्केप करे जा रहा है यार ये तो अब नहीं कर पाएगा तू बेटे ओके ओके एंड फ्लेम एंड स्लोड अच्छा भाई स्लो भी कर देता साथ ही साथ क्या बात है यार और और कुछ अटैक है मेरा और भाई राइट क्लिक से क्या था मेरे राइट क्लिक से कुछ नहीं था क्या हाँ अपेरेंटली मैं राइट क्लिक से कुछ भी डैमेज नहीं करता हूँ ओके इसका भाई यार हाँ यार ये बात तो फिर है यार ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है इसका अगर ऐसे देखा जाए तो ओके इसके नीडल अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं ओके ओके नॉट बैड बट नॉट गुड एट द सेम टाइम अच्छा ये टॉर बढ़ा रहा है भाई शिट दो दो मिलियन टॉर एक साथ बढ़ा रहा है भाई आर यू किडिंग मी ब्रो ओ माय गॉड भाई उसको उसने डाउन कर दिया शिट यार दो मिलियन टॉर एक बार हम बढ़ा रहे हैं ब्रो उसका ओके इट्स टाइम टू पुट द लेवल्स इन भाई साहब लेकिन कुछ सात मिलियन डैमेज एक साथ बढ़ रहा है भाई इसका तो ओके आई एम गो फॉर सम इन अमाउंट ऑफ हेल्थ मे बी टू लैख शुड बी ओके या भाई हो जाए दो लाख ओके फाइन नाउ वील गो इन टू द मेले मेरे को लग रहा है मेले के लिए भाई थोड़े से कम एक्सपीरियंस पड़ गया हमारे पास पर चलो ठीक है कोई बात नहीं अब देखते हैं भाई कितना कर रहा है uh... ही इज डूंग वन पॉइंट सिक्स मिलियन ओके 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 और इसका ये कांटे वाला कितना करता है भाई कांटे वाला देखूँ जरा मैं दो मिलियन भी किया भाई उसने ओके टाइम टू गो टू आर अब्रीशन केव और वहां पर हमें ट्राई आउट करना पड़ेगा इसको लेट्स गो गाइड्स ओह वीट 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 वॉट वट वॉट वट 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 इज गोइंग ऑन हेयर ब्रो वॉट देल इज गोइंग ऑन हीयर मैं जरा उतरने वाला हूँ और इसको मैं डाल लेता हूँ अंदर ओहे बंदे आ जा यहाँ पे कोई स्पिरिट आया वह लग रहा है इसको ज़रा पोशन दे देते हैं ब्रो ओ अरे मैं भूल गया था भाई पता नहीं क्यों कि सम रीजन इनको जब क्राइपॉड करते हैं और बाहर निकालते हैं तो फिर अपने आप ही ये लोग हील हो जाते हैं तो या नाइस ओके लेट मी किल दिस का ये जल्दी से ऊपर करके फेंकना पड़ता है नीडल एंड दिस शुड किल हिम हो ओके दैट अ लिटिल बिट टू ऊपर आई थिंक दिस शुड किल हिम एंड ओके दिस भाई इससे तो थोड़ा एम करना सीखना पड़ेगा यार समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है इसको ओके मे बी दिस नो वे आई यू किडिंग मी भाई कुछ हो ही नहीं रहा उसको इससे नो वे ओके अब हुआ जाके भाई पता नहीं पहले क्या हो गया था ओके बट फाइन इसको फोर्टी फाइव थाउजेंड रहा है यार इतना भी ज्यादा नहीं है यार मतलब सही बताऊँ उतना भी ज्यादा नहीं है बट फाइन क्या कर सकते हैं यार फिर तो मतलब उसका ज़्यादा अच्छा था यार ग्रिफिन तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था यार बट एक ऑलमोस्ट वन बिलियन कर रहा था और उसकी थोड़ी सी मैंने लेवल भी बढ़ाई तो आई थिंक अब भाई वन बिलियन एक्चुअल में करने भी लगेगा वो चलो इस पर ट्राई आउट करते मे भी कुछ काम आ जाइए यार एक तो इसके लगते भी नहीं है ना अटैक यार।, यार ये तो फिर किसी काम का नहीं है ब्रो जो फिर सही में किसी काम का नहीं निकलेगा नो मैन इट इज़ नॉट गुड एट ऑल बिल्कुल भी सही नहीं है भाई ऐसे तो यार उड़ने दे भाई एक सेकंड अबे यार अभी अब पकड़ के रखेगा मेरे को नो सीरियसली इज़ नॉट गुड मैन ये पता नहीं कैसे हरा पाएगा यार ये ये स्पिरिट को हराने के लिए नहीं बना है ब्रो इसका यही ठीक है मतलब पर इतना कुछ खास डैमेज तो भी नहीं दे रहा यार ये ओके फाइन ब्रो दिस गाय इज़ नॉट रियली दैट ग्रेट हमें पता चल चुका है हमने कहीं गलती मान ली अपनी अब भाई किस ग्रिफिन ही ज़्यादा अच्छा है ब्रो सही में देखा जाए तो इसकी हेल्थ में काँच छोड़ी और अच्छी कर पाता पर चलो ठीक है कोई बात नहीं आई डोंट माइंड इट और इसका ये वाला अटैक तो भाई ऑसम awesome है सही बताऊँ ये देखो देख रहे हो मतलब फिर भी अच्छा डैमेज कर दे रहा है यार ये काफ़ी अच्छा डैमेज कर दे रहा है ओके चलो इसका काम तो भाई हो गया सीरियसली लाइक आई आई लाइक द ग्रिफिन मैन बेटर देन मैंटी कोर मेरे कोई और बॉस पकड़ना पड़ेगा मे बी डोडोर एक्स फिर से पकड़ूंगा क्योंकि मेरे को वो बंदा सीरियसली बहुत सही लगा भाई वो बंदा बहुत सही था एंड दिस शुड डू इट वो एक 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 मारने तुझे तो मुझे बस और ये गया नाइस ऑसम ब्रो तो मैक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन मिला इससे हमें नाइस नाइस वन ओके बट गई गैन अब ईट फॉर दिस एपिसोड इट वॉज रियलीसअपॉइटमेंट यार मेरे को लगा कि के, के बहुत ही ऑसम awesome होने वाला है और हमारे स्पिरट हराने में बहुत मदद करेगा बट अपेरेंटली इतना भी अच्छा नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि एक डोडोर एक्स भी पकड़ लूँ लाइक ऑफ कैमरा जिससे स्पिरिट को हराने में हमें मदद मिल सके बट uh, वो मैं पकड़ लूंगा भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं है बट uh, यार गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड आई होप तुम लोग को भाई पसंद आई हो उस के ऑस और के ऑस मैटिक और नहीं पसंद आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे को खुद पसंद नहीं आया बट स्टिल मैन यू कैन लीव अ लाइक फॉर द केस ग्रिफिन बट थैंक यू गाइस फोर वॉचिंग बाय सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट